नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को लेकर के, साथ ही हम बात करने वाले एडमिशन 2023 से 25 पीजी को लेकर के। तो देखिए, अभी पीजी का जो एडमिशन है वो पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। जो भी स्टूडेंट अभी भी इस आस में बैठे हुए हैं कि हमारा एडमिशन जो है हो पाएगा, हो जाएगा, तो अभी अब आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे, जैसा कि अखबार के रिपोर्ट में बताया कि पीजी में सर्वाधिक 11,018 नामांकन, आर्ट्स व कॉमर्स में जो है छात्राएं जो है अधिक। पूरी रिपोर्ट को अब हम पढ़ के बताते हैं। बीआरबी में जो इस वर्ष जो है पीजी में जो सर्वाधिक 11,018 विद्यार्थियों ने जो नामांकन लिया है, इसमें जो 6,098 छात्राएँ हैं, जबकि जो है 4,920 छात्रों का नामांकन हुआ है। पीजी सत्र 2023 से 25 के जो नामांकन की प्रक्रिया जो है इसी महीने पूरी हुई है। प्रथम सेमेस्टर की कक्षा भी जो संचालित हो रही है। हालांकि बहुत सारे कॉलेजेस से नोटिस आया था कि क्लासेस ऑनलाइन के माध्यम से चलेगा, बहुत सारे कॉलेज में ऑफलाइन जो है क्लासेस स्टार्ट हो गए थे। तो आपको अपने कॉलेज से पता करना है कि आपके कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट है या नहीं है। और बहुत सारे कॉलेज ने बोला था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन जाता रहेगा। तो क्या आपके कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक बना है या नहीं बना है, ये नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से आप लोगों का क्लास नोट्स, एग्जामिनेशन, बहुत सारी डिटेल्स जो आपको मिलते रहती है। इस सत्र से जो है कई कॉलेज में जो नए पीजी की जो कोर्सेज संचालित होने के कारण जो 4,000 से अधिक सीट जो है बढ़ी है। पिछले सत्र में जो करीब 7,000 सीटें थी नामांकन इसके ऊपर जो है 7,000 सीटों के ऊपर लिया गया था। सत्र 2023 से 25 में जो है विभाग व कॉलेज में जो कुल 11,542 सीट स्वीकृत थे, जिसके लिए जो है 24,364 अभ्यर्थियों ने जो आवेदन किया। बीच में पोर्टल फिर से खोला गया था, तो टोटल जो 24,000 से अधिक फॉर्म जो है हो गए थे। विश्वविद्यालय ने जो 3 मेरिट लिस्ट जो है जारी की थी, इसमें जो है करीब 8,000 नामांकन हुए। इसके बाद जो स्पॉट एडमिशन के लिए जो है समय दिया गया था, और इसमें जो है 3,000 विद्यार्थी जो बढ़ गए। और आपको जैसा कि हम बता दें, एमए में जो है 7,342, एमकॉम में जो है 1,248 व एमएससी में जो है 2,428 नामांकन हुए। इसमें जो है आर्ट्स व कॉमर्स में जो है छात्रों से अधिक जो है छात्राओं का जो है नामांकन हुआ है, जबकि साइंस में जो है सर्वाधिक जो है छात्रों का संख्या दिखा है। तो ये तो रिपोर्ट हो गया एडमिशन को लेकर के। अब हम बात करें कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कब तक क्या आपका हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर में आपका जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने का डेट है वो 15 अप्रैल से है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन 2023 से 25 सेशन का होगा वो आपका होगा 15 अप्रैल से। तो फॉर्म कब भराया जाएगा? बिना फॉर्म भरवाए तो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो नहीं सकता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको इससे पिछले कई वीडियोज़ में कि 15 मार्च से हो सकता है आपका फॉर्म जो है भरवाया जाए। आज जो है आपको 14 मार्च हो चुका है, कोई रिपोर्ट नहीं है। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, मे बी अब इस समय पे आपका फॉर्म ना भरवाया जाए, 27 तारीख के बाद आपका जो है फॉर्म भरने का डेट निकाला जाए, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी टाइम है। 15 अप्रैल का डेट दे चुकी है, तो अप्रैल 1 से 2 से भी भरवा सकती है। 7 से 8 दिन या 10 दिन के भीतर आपका पूरा फॉर्म भरवा करके जो है सारा कार्य करवा लिया जाएगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल 15 के बाद तक जो है यूनिवर्सिटी फ़िलहाल अभी सब सीनेट मीटिंग में जो है बिजी है, इधर कोई नोटिस निकलेगा नहीं। और अगर निकलता भी है तो फिर आपको होली के बाद ही देखने को मिलेगा, डेट एक्सटेंड होता रहेगा। होली के लिए जो छुट्टी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उससे पहले जो है आपको 22 को बिहार दिवस को लेकर के छुट्टी है। उसके बाद अगर बात करें तो 23 को एक दिन यूनिवर्सिटी व कॉलेज खुलेगी, और 23 के बाद जो है आपको 24 से फिर 27 तारीख तक छुट्टी देखने को मिलेगा विश्वविद्यालय व कॉलेजेस में। 27 के बाद 28 को कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलेगी, 29 को गुड फ्राइडे को लेकर के जो छुट्टी रहेगी, उसके बाद ही डेट आपका जो दिया जा सकता है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। तो जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल वाला बटन जो नीचे दिया है सब्सक्राइब का, उस पर सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और जितने भी अपडेट हैं हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप जो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आपके सिलेबस, आपके जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो हमारे वेबसाइट क्लिक टुडे पे जो है लगाए गए हैं, तो आप क्लिक टुडे को विजिट करें गूगल पे जा करके, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया गया है वहाँ से डायरेक्टली जा करके आप विजिट कर लें, आपके जो है सिलेबस व स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो तक हम चलते हैं, धन्यवाद।